ਚਾਲ ਕੋਈ ਦੇਖ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੈਠੇ ਹੈ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਜੁੜ ਬਾਦੇ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ चौदह जना देख रहे हैं। राम राम सभी भाइयों को। बोवास क्लब की तरफ से सभी को तहे दिल से धन्यवाद। सुरेंद्र बेनीवाल जी राम राम भाई। हम बोबास राजस्थान के जयपुर जिले से। राम राम अंकित भाई जी। बस बढ़िया है भाई। आओ सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस पेज के लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सिंटू जी राम राम। ये हमारे बीच हमारी टीम के सेंटर शिवपाल और ये टीटू। नमस्कार जी। नीरज भाई राम राम। बस बढ़िया है। भाई रमन कुमार कहाँ से है भाई जी। राम राम मनजीत सिंह जी। अरुण कालानी राम राम भाई बांबुड़ाव से। रमन गलत कमेंट्स नहीं, जो बात है वो पूछा कर बीच में नहीं। राम राम शंकर भाई। राम राम अमित जी। माही चौधरी घेगा दूदू राम राम भाई। राम राम दिनेश जी। राम राम भाई रमन। राम राम जी। टीटू श्रीप है भाई साहब।
ये दिखता शरीफ है पर अंदर से खराब है। हाँ भाई अंकित, जो अपने मैच हुआ था झुंझुनू में, बहुत ही अच्छा मैच हुआ था। दोनों युवा टीमें आपस में एक बड़े टूर्नामेंट में आमने सामने हुई थी, एक अच्छा सुनहरा मौका था। और अच्छा भी लगता है कि दोनों एक मजबूत और युवा टीमें एक ही गांव से हैं। नरेंद्र सेरावत जी, राम राम भाई साहब। हम कैसे सो दिया जी, टीटू पीछे नहीं छुप रहा, इधर आ जाओ भाई। टीटू जी हैं, आप कोई बात पूछना चाहते हो शिवपाल भाई से, और ख़ास तौर पे हमारे राजस्थान के भाई जो भी लाइव से जुड़ रहे हैं, वो कुछ आप सवाल जवाब कर सकते हो, हमारे सेंटर स्कोरर आपके बीच में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई जी को, जो आपने हमारे को ऐसा समझा। खेलने में तो सभी खेल रहे हैं, लेकिन हम भी हमारी तरफ से बढ़िया खेले और बढ़िया खेले, यही कर रहे हैं। धन्यवाद जीताफो गार्ड जी को, बस काम कारण तो क्या है, बस अच्छा खेल रहे हैं और खेलते रहेंगे, यही कारण है, और क्या कारण है बस। कमल भाई जी तो एक अच्छे प्लेयर हैं, और वो तो एक ऐसे मानो कि हमारे राजस्थान के विराट कोहली है, और वो तो ऑल इंडिया में जगह जगह पे उन्होंने टूर्नामेंट खेले हैं, और हमारी टीम में उनसे बहुत मैच हारी है और बहुत बार उनसे सामना भी किया है और अच्छे मैच भी खेले हैं, पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने उनके सामने मैच कन्वर्ट नहीं कर पाए, कुछ अनुभव की कमी रही होगी या कुछ भी, पर फिर भी हम अच्छा मैच खेलते हैं उनके सामने। और अभी लास्ट में एक दो टूर्नामेंट में उनसे हम जीते भी हैं, और आज वो हमारे ग्राउंड पे आ रहे हैं टीम लेकर अपनी खुद की, शाम को 8 बजे, तो वो मैच भी आपके बीच में लाइव रहेगा बोबास क्लब के पेज पे। आज कमल भाई जी का भी यहाँ हमारे ग्राउंड पर स्वागत है। लो टीटू भाई आइए भाई, आप भी अपनी सभी भाइयों से मिलिए। नमस्कार भाई लोगों, राम राम। इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।
भाई पहले संजय भाई साहब का भी अच्छा नाम था और उन्होंने भी बहुत टूर्नामेंट राजस्थान में जीते हैं, उन्होंने भी वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, पर आज इस युवाओं में जो कमल ने जो नाम रचा है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और हमारी एक टीम में एकता और इससे सब संतुलित टीम होने की वजह से ही हम कमल भाई से टक्कर ले पाते हैं और बार बार हम उनसे मैच खेलते हैं, टूर्नामेंटों में जाते हैं, हारते हैं, फिर खेलते हैं, कभी हिम्मत नहीं आ रही उनसे कि हम बार बार उनसे मैच हार रहे हैं तो हम दोबारा टूर्नामेंट में जाएँ या नहीं जाएँ, पर उनसे मुकाबला हम कंटिन्यू करते रहे, इसलिए हमारे उनका कोई बीच में खोप वोप ऐसा नहीं है, दोस्ताना ऐसा बिल्कुल व्यवहार। और मुकाबला ऐसा होता है कि मानो बिल्कुल बराबर चलता है, बढ़िया भाई साहब, नरेंद्र जी भाई साहब बढ़िया। भाई यहाँ लोकल ग्राउंड पे तो हमने खेलना स्टार्ट कर दिया है, श्रीस जी आज कमल भाई जी भी हमारे ग्राउंड पर आ रहे हैं टीम लेकर। अरुण कालान जी, हाँ भाई वामुड़ाव से शिवपाल भाई जी हमारे एक अच्छे सेंटर युवा हैं, इन्होंने अभी एक साल पहले ही हमारी टीम को ज्वाइन किया, इन्होंने पहले भी साथ तो थे पर सेंटर के रूम में साल भर ही हुए हैं इनको हमारे बीच में, इन्होंने पहले कुछ कारणवश से गेम छोड़ दिया था और बहुत ही अच्छा रिकवर किया इन्होंने वापस टीम में आकर। मुरली मनोहर कुमार जी, हाँ सर 2008 में शायद सुरेश नागा जी की स्मृति में असलपुर में जो टूर्नामेंट हुआ था वो हमने जीता था, हाँ उसमें हम बेस्ट नेट रहा था। रमेश जी शर्मा, भाई साहब आई लव यू टू। राम राम नरेंद्र, राम राम रघु भाई, राम राम। रोहित बालियान, अंकित पत्रेड़ी जी भाई साहब इस टाइम के टॉप के प्लेयर हैं, उन्होंने धूम मचा रखी है ऑल इंडिया में, उनसे हमारा पहला मुकाबला, शायद हमारी टीम का पहला मुकाबला यहाँ नागौर हमारे राजस्थान के नागौर ज़िले में मीठड़ी में हुआ था, अभी अच्छा मैच हुआ था टेक लाइन का जोमनेर के पास में मीठड़ी, हमारी टीम से उनका पहला मुकाबला हुआ था मीठड़ी में, 31,000 रुपये का टूर्नामेंट था, बहुत अच्छा टूर्नामेंट था। विनोद खरबास, राम राम भाई। टीटू भाई जी का स्कोरिंग का और उसके शरीर का कोई राज ही नहीं बता सकता अभी तक। अरुण कालोन भाई उसकी बात अलग ही है। शास्त्री भाई जी यूपी के टॉप प्लेयर हैं, अगर वो मेरी लाइव को देख रहे हैं तो शास्त्री भाई जी को मेरा नमस्कार, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, शायद वो मालावाड़ा में तो जीता था नहीं, मालावाड़ा में फाइनल में फाइनल हुआ था उनका कमल की टीम पर, उन्होंने शानदार गेम दिखाया था। कुलविंदर सिंह का आपके हिसाब से 300 में बेस्ट टीम बेस्ट प्लेयर कौन है? देखो भाई साहब ऐसे तो बहुत से प्लेयर हैं पर जो इस टाइम पे जो अंकित भाई गेम खेल रहे हैं वो बेस्ट प्लेयर हैं हमारे राजस्थान से, कमल चौधरी वो भी एक शानदार प्लेयर हैं इस फॉर्मेट के, वैसे तो कमल भाई जी तो तीनों फॉर्मेटों में जो फॉर्मेट खिलाओ उन्हीं में ही बेस्ट हैं, पर 100 में जो अभी अंकित भाई बेस्ट हैं हमारे हिसाब से। विनोद खरबास धन्यवाद भाई,
राम राम सब आए लो। रमन कुमार जी राम राम। पंकज जी हमारी तरफ अगर कोई अच्छा प्लेयर खेलता है तो हम सब उसको श्योपाल बोलते हैं। धन्यवाद भाई, श्योपाल जी एक अच्छे सेंटर हैं और व्यवहार के भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इन्होंने भी एक साल में धूम मचाई है राजस्थान में। लाडी सापुर, पंकज जी गेम कैसे लगती है ये आपको? भाई साहब गेम तो खेलने में बहुत मज़ा आता है, पर इस गेम में बताऊं क्या, कोई भविष्य तो है नहीं। पर एक सस्ता सुंदर गांव में एक सबसे बेस्ट गेम जो खेला जाने वाला है, ये सब क्या है, अपने आपस में मिल लेते हैं, भाईचारा बढ़ता है और क्या है, और तो कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। अंकित भाई जी राम राम। बस बढ़िया है भाई साहब, आप बताओ। विनोद खरबास आई लव यू टू भाई। वैसे शूटिंग भी अच्छा गेम है, पर जो आजकल ये 100 कभी शूटिंग कभी ड्रॉप बॉल, तो हमारी तरफ तो यही खेला जा रहा है सबसे ज़्यादा। अब उसमें शूटिंग में एक बॉल इधर गिरती है, एक बॉल इधर गिरती है। प्रवीण मीणा राम राम भाई, बिचूण से प्रवीण भाई जी आएंगे बिल्कुल, आप अगर बिचूण बुलाएंगे तो ज़रूर। आपको काड़ू का टूर्नामेंट कैसा लगा? मैं वहाँ रेफरी था। राजस्थान शूटिंग बॉल के बारे में दो शब्द कमल चौधरी सुरेंद्र सारण के बारे में बताएं। भाई साहब काड़ू का टूर्नामेंट एक बीकानेर का बेस्ट टूर्नामेंट था, शानदार आयोजन था। वहाँ से हमारी जयपुर ज़िले की टीम कमल भाई से वहाँ मैच हार गए थे, मैच बहुत ही शानदार हुआ था। हमारे बीच में उस टाइम हमारा सेंटर श्योपाल नहीं था, हमें उसकी बहुत ही कमी खिली थी, पर भी हमने बहुत अच्छा मैच वहाँ पे खेला था। कमेटी के लोग बढ़िया, मैनेजमेंट था वहाँ पे शानदार। और शूटिंग में जो कमल भाई जी और सुरेंद्र सारण जी, तो हमारे राजस्थान की शान है शूटिंग में, और कमल भाई भी एक टॉप, तीनों चारों फॉर्मेटों के अच्छे प्लेयर हैं। सिरस केसरा राम राम भाई बिचूण से। बिचूण तो अपना पड़ोसी गांव है, सब आते जाते रहते हैं, कभी भी आप बुलाओ। वो ग्रुप से डायरेक्ट राम राम। रघु भाई जयपुर में ही रहते हैं और कब आएंगे, आपके दिल में है? महावीर जी आपसे रोज खेलते हैं ग्राउंड पे, और कब खिलाओगे? कुमारी आवाज से राम राम महावीर जी। कुमारी आवाज चाकसु विधानसभा से श्री महावीर गढ़वाल जी को तहे दिल से धन्यवाद जो हमारे लाइव में जुड़े आप। भाई साहब राम राम। हनुमान भाई साहब राम राम। बस बढ़िया भाई साहब, हमारे राजस्थान से नागौर जिले से हनुमान जी भाई साहब हमारा बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे बाहर भी जाते हैं जब भी, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद जो हमारे लाइव से इन्होंने जुड़े। राम राम भाई जी, लव कुमार जी और हमारे जितेंद्र जी मीणा जी भी बोबास के जो लाइव से जुड़ गए हैं। जीत राम बुल्डक जी राम राम जी। मुकेश सलावरिया अवाणिया से राम राम साहब।
अपना कोई बेस्ट टूर्नामेंट बताओ भाई जी। नरेंद्र सेराव जी भाई साहब, हमारा जो बेस्ट टूर्नामेंट शायद अभी हमारे जयपुर ज़िले में हरसोली में हुआ था, हमने कमल से वहाँ विजय प्राप्त करी थी, वो एक अच्छा यादगार टूर्नामेंट है हमारा अभी तो इस 4-5 साल में तो। और वैसे तो मेरा बेस्ट टूर्नामेंट हमारे यहाँ राजस्थान के संजय शर्मा जी को ही, उनको हरा नहीं पाते थे और ये सपने में भी नहीं सोचते थे कि वो हारेंगे। तो हम कमल भाई जी के साथ जयपुर में मालवे नगर, वो विद्याधर नगर में एक महाराजा सूरजमल की वो नाम से वहाँ एक टूर्नामेंट होता था, तो कमल भाई जी के साथ मैं नेट खेला था और कमल भाई जी ने भी पहली बार वहाँ पे संजय भाई साहब को हराया था। राजस्थान के एक संजय भाई साहब हीरो रहे हुए हैं, जैसे मानो सचिन तेंदुलकर। भाई छोटी हाइट का नेट बहुत बेस्ट था, वो नहीं दिखता आजकल खेलता हुआ छोटी। हाँ भैया वो बेस्ट नेट था, वो अभी क्रिकेट ज्वाइन कर लिया है उसने, इस वजह से वो थोड़ा वॉलीबॉल से दूर हो गया है। वो बॉय बेस्ट नेटर था ऑल इंडिया का भी, भवानी। संत श्री हनुमान साहब जी कुमाऊत स्मृति में था, खातलियों की डाणी असलपुर में। हाँ भाई साहब, खातलियों की डाणी में असलपुर में 2008 में हुआ था टूर्नामेंट। अब नहीं हो रहे असलपुर हमारे आसपास में, जो ये जयपुर ज़िले में टूर्नामेंट, क्या पता सब दूरियां बना ली है इस गेम से। और हमारे जैसे मैं बताना चाहूँगा एक बात हमारे राजस्थान के भाइयों से, टोंक नागौर अजमेर ये बहुत ही अच्छी शानदार टीमें हैं, ये भी अपने जयपुर में कभी कोई टूर्नामेंट हो तो पार्टिसिपेट ज़रूर करें। हम हार जीत होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हमने कमल भाई से बहुत मैच हारे हैं पर भी बहुत मैच खेले हैं। आप लोग हमें भी नहीं बुलाते और आप हमारे भी नहीं आते, कृपया करके पार्टिसिपेट करें टूर्नामेंटों में। ऐसी कोई टीम नहीं है जो पराजय नहीं होती। अंकित भाई जी, अब की बार बोबास में जल्दी टूर्नामेंट कराएंगे, सभी बाहर की टीमों से रिक्वेस्ट हैं कि सभी अपना अपना सेट लेकर हमारे गांव टीम लेकर पहुंचे, बहादुरगढ़, सोनीपत, चिराग दिल्ली, पथरेड़ी, खुर्द खुर्द जो भी टीमें हैं, सापला। भरत सराधना जी, राम राम भाई जी। ये रमन कुमार जी कौन है भाई साहब, बताइए आप, फेक अकाउंट जो बार बार कमेंट्स करते हो। जितेंद्र मीणा जी, कैलाश कहाँ है आजकल? कैलाश भाई जी कुछ कारणवश से हमारे से दूर हो गए हैं, वो कोई फरीदाबाद के बारे में कुछ शब्द। अच्छी टीम है साहब, भाई साहब कभी मुकाबला तो हमारा उनसे हुआ नहीं पर नाम सुना है, अच्छी टीम है। रमेश शर्मा, राम राम भाई साहब। Gracias.
अपने बारे में बताएं, कैसे कैसे स्ट्रगल किया और टीम को स्टैंड किया। भाई साहब, आपसे खेल खेल के स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जितने मुकाबले आपसे खेलें, आपने ऑल इंडिया में जीत जीत कर आप आए और हम यहाँ से आपसे अनुभव लेते गए, वैसे ही स्ट्रगल हमारा बढ़ता गया। अब आपसे खेलने के बाद स्ट्रगल क्या है, सभी भाई युवा थे, जोश में भी खेले, जोश में कभी हार भी गए, फिर धीरे धीरे आपसे अनुभव भी हुआ और आज भी हारते भी हैं तो जीतते भी हैं। राम स्वरूप भोतलिया जी, राम राम भाई साहब। शर्मा जी राम राम, राम राम भरत सरादरा जी। धन्यवाद लव कुमार जी। विक्की संधू, मुकेश सेरावत। विक्की संधू क्या हाल है भाई, बढ़िया भाई जी। नीरज सेराव जी, रमन कुमार जी हमारे राजस्थान से, बताता है कहाँ से हैं आप, हमारे को बताइए तो सही, हम निकाल लेंगे कौन है। श्योपाल भाई जी की मांग हो रही है कुछ, आप भी बताइए। लो महावीर जी आपके सामने है, श्योपाल, टीटू भाई, राम राम। राम राम महावीर भाई, राम राम। अंकित भाई जी, भाई ये अलवर राजस्थान से बता रहा है अपने आप को, फिर तो भाई क्लियर फेक अकाउंट है। अगर ऐसा कोई बंदा होता जो वॉलीबॉल से जुड़ा हो और इतनी बातें पूछ रहा है तो कोई फेक अकाउंट है, इसमें कोई दोराय नहीं है। नरेंद्र सेराव जी, अपने पुराने खिलाड़ी जो दिनेश जी के गांव से हैं, जेसीबी के नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में कुछ बताओ। भाई साहब ड्रॉपिंग के एक शानदार प्लेयर थे, उन्होंने उस टाइम पे ड्रॉपिंग खेली है जो जयपुर में कोई जानता भी नहीं था कि ड्रॉपिंग क्या चीज़ है, थर्ड बॉल कैसे बनाई जाती है, सब ने उनको सिखाया है। यहाँ पे जो राजस्थान में अटैक लाइन हुई उनकी वजह से हुई, बहुत ही शानदार प्लेयर है। जीतते थे तो वो सुरजन भाई साहब हैं और वो अच्छा आप सहयोग भी करते हैं गाँव में, तो अभी नांगल में दिनेश हेमपाल भाई, उधर कमल, सब उनके नेतृत्व में अच्छे प्लेयर बने हैं। रामस्वरूप भोतलिया जी, मूछे वाले टीटू दिखाई नहीं दे रहा है भाई जी, मूछियां तो अभी छोटी कर ली है इन्होंने, दिखाई यहीं पे हैं, अभी शांत है, थोड़ी देर बाद में ये भी आपसे रूबरू होंगे। भीम सिंह तरसेम कैसा प्लेयर है भाई साहब, जानदार प्लेयर है शूटिंग बॉल का। हम राहू में उनका गेम देखे थे, हमारे सेक्रेटरी जोरावर सिंह राजपुरोहित जी भाई साहब के साथ हम भी गए थे, मैं और टीटू, तो राजस्थान टीम का नेतृत्व है वहाँ सुरेंद्र भाई साहब जी के साथ वो टीम में खेल रहे थे, शानदार गेम है भाई साहब उनका। राम राम भाई महावीर। कृष्ण देवंदा, राम राम भाई पंकज, राम राम भाई। विजय शर्मा हमारे बोबास के साथी प्लेयर, विजय भाई भी हमारे लाइव से जुड़ चुके हैं, राम राम भाई। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे बीच हमारे स्पॉन्सर, हमारे मार्गदर्शक गुरुदेव राम बाबू जी भी हमारे बीच में हैं, वो थोड़े से एक अभी बिजी हैं, वो अपने बीच आएंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ,
जितेंद्र मीणा कैलाश के कहाँ हैं आजकल भाई? पंकज आते हैं सर जीतू जी, वो ग्राउंड पे आ रहे हैं अभी हमारे बीच खेलने के लिए। कैलाश भाई जी भी वो अभी थोड़े दिन बीच में दूर हो गए थे। वो भाई हमारे बोबास के बहुत ही शानदार सेंटर थे। प्रभुपुरी राम राम भाई। प्रभु भाई आप क्या संयुक्त सचिव हो आप यूनिवर्सिटी वो छात्र संघ राजनीति से भी जुड़े हो हमारे असलपुर के? प्रभुपुरी गोस्वामी भाई जी, विजय कुमार प्रिया, राम राम पंकज भाई, राम राम विजय कुमार जी, बिज्जू भाई बीकानेर से, विजय कुमार जी राम राम भाई साहब। राम राम दीपक भाई। एडवोकेट भागचंद्र कुमार विनोद जी बोबास के बारे में। राम राम भाई साहब भाग जी, और अभी हमारे शूटिंग बाल के ये सेक्रेटरी भी हैं राजस्थान शूटिंग बाल के, विनोद जी हमारी शान है, उनके नेतृत्व में ही आज ये युवा टीम है हमारे बीच में उभर के इतना नाम जो बोबास का हुआ है वो एक विनोद जी नहीं उनके मार्गदर्शन से ही हम यहाँ पहुँचे हैं। बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, अब भी हमारे को वो सहयोग करते रहते हैं। उनके बारे में जितना बताए उतना कम है। स्वभाव के अच्छे प्लेयर, सभी भाइयों को साथ लेकर चलने की उनमें योग्यता थी। नीरज सेरावत राजस्थान का शेर, संजय भाई वास्तव में भाई साहब, संजय भाई साहब राजस्थान के शेर ही थे। शरीर से मानो, चाल से मानो, गेम से मानो और उनका अंदाज से मानो, आप शेर ही है। अरे ओए हाँ, केयर दिल्ली में गए थे भाई साहब हम, नरेंद्र भाई साहब, अंकित पत्रेड़ से हमारा मैच हुआ था। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट होता है वहाँ पे। हमें पांच पंचायती और कमल भाई जी और दिनेश भाई जी हमारे साथ थे, बाहर के दो प्लेयर वो खेले थे हमारे साथ। दिल्ली के टूर्नामेंट वो भाई साहब करवाते हैं, उनका नाम तो मैं केयर दिल्ली वो भाई साहब है उनका नाम भूल गया मैं, महेश पाल जी। बहुत ही अच्छा व्यवहार है उनका भाई साहब, बहुत शानदार टूर्नामेंट करवाते हैं वो। और अबे हमारे बीच में हमारे स्पॉन्सर गुरुदेव राम बाबू जी उपस्थित हो चुके हैं, अभी जुड़ चुके हैं, ये कहीं बाहर कोई काम से गए हुए थे। और ये हमारी टीम को आर्थिक रूप से भी बहुत सहयोग करते हैं, कोई किट हो, कोई किराए की बात हो, कहीं जाना हो, सभी समस्याओं का ये समाधान हमारे बीच में करते हैं। और ये अभी हमारी बोबास गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, और चाहता हूँ कि ये दिन चौगुनी रात दोगुनी सब कुछ करे। भाई शिवपाल को खेलते हुए देखे बहुत दिन हो गए, उनके लेकर आओ भाई जी। बिल्कुल ज़रूर लेकर आएंगे, सोमवार से जयपुर आ रहे हैं। राम राम भाई। रघु चौधरी, हाँ महावीर जी सही कहा। शिवपाल भाई के जो भी मांग कर रहे हैं सांगानेर की तरफ के भाई लोग, हम ज़रूर वहाँ जयपुर आ रहे हैं जल्दी। बिल्कुल रघु भाई जी, शिवपाल जी का गेम आपको जरूर दिखाएंगे। कुलविंदर सिंह, हाँ भाई अच्छा नेटर था भवानी जी, वो तो बहुत मशीन थी एक तरह की नेट के लिए। दीपक चौधरी जी, राम राम भाई, फीलिंग तो अच्छी आ रही है अभी। मुरली मनोहर कुमाव जी आपकी, बिल्कुल भाई साहब मुरली मनोहर जी, अगर हमारा भी कोई सहयोग चाहिए तो आप हमारे को कभी भी कॉल कर दीजिएगा। असलपुर वैसे तो गेम के मामलों में आगे रहा है, क्रिकेट का टूर्नामेंट हो चाहे वॉलीबॉल के, हर चीज़ में भाग लेता था, पर अभी थोड़े दिनों में शायद पता नहीं कैसे दूर हो गए।
रमेश शर्मा शेष नारायण जी के बारे में 200 शब्द। ओ अबे क्लब के शानदार प्लेयर शेष नारायण जी भाई साहब को नमस्कार, अगर वो लाइव से जुड़ रहे हो तो। बहुत ही शानदार, बिल्कुल साइलेंट, अपने गेम से मतलब रखते हैं और कोई फालतू बात उनसे नहीं, बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। वो बास टीम के प्लेयर्स को राम राम, राम भाई साहब राम राम, परवेज खान भाई राम राम। भाई नागौर की बेस्ट टीम है डीडवाना की टीम, जुनेद भाई और वो अरबाज भाई और भी वो मोस्ट दो चार अच्छे प्लेयर, सारी टीम बहुत ही अच्छी प्लेयर है, युवा टीम। उन्होंने हमारे को भी एक दो बार हराया है, पर वो जयपुर की तरफ भी आए हैं, मैं कहता हूँ बढ़िया टीम है वो अच्छा मुकाबला कर सकती है, शानदार टीम है नागौर की भाई साहब। वो प्रेम मुंड बीकानेर से राम राम भाई जी, क्या हाल है प्रेम भाई जी। बाबूलाल बाजा सबसे पहले मैं आपको राम राम भाई जी, बाबूलाल बाजा जी धन्यवाद। संदीप गुंडू भाई जी राम राम, क्या हाल है, बस बढ़िया भाई साहब, आपका चाहिए आशीर्वाद, आपका भी धन्यवाद जो आप हमारे लाइव से जुड़े, बहुत ही शानदार सापला के प्लेयर जो ऑल इंडिया में इन्होंने अपना नाम कमाया है, अच्छे ही ड्रॉपिंग के बहुत ही शानदार स्कोरर हैं, इन्होंने जयपुर से कई टूर्नामेंट उठाए हैं भाई साहब, बहुत बार हमारे जयपुर में आ चुके हैं खेलने के लिए। तरुण कालानी हाँ भाई बताओ, भांबुड़ाव से एम के सिसोदिया जरूर भाई आयोजन करवा, बिल्कुल हम तो भाई याद करते हैं हर बार, और अब भी जल्दी होगा टूर्नामेंट। रमेश शर्मा राजू अभे क्लब के बारे में बताए भाई साहब का क्या कहना, अच्छे जोशीले प्लेयर अभे क्लब को लेकर चलने वाली टीम, आज जो अभे क्लब इतनी ऊंचाइयों पर है उसमें भाई साहब का रमेश जी का बहुत ही बड़ा सहयोग है। बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट राय, जहाँ जरूरत हो टीम को कुछ बारे की तो वो अपना अनुभव टीम के बीच में रखते हैं, बहुत ही सीनियर प्लेयर राजस्थान के हैं ये, इन्होंने राजपुरोहित क्लब से भी बहुत टूर्नामेंट जीते हैं और अब अभी क्लब से भी कंटिन्यू ये टीम में, अपनी फिटनेस का राज क्या पता क्या है, अब भी नए बंदे के जैसे खेलते हैं गेम, और वो आज हमारे बोबास ग्राउंड पर भी पधार रहे हैं, उनका बोबास क्लब के द्वारा तहे दिल से धन्यवाद। भाई जयपुर में वॉलीबॉल के टूर्नामेंट बहुत कम होते जा रहे हैं, क्या कारण है शंकर भाई, कारण तो बहुत से हैं पर क्या बताएं, क्योंकि इस गेम में कोई भविष्य नहीं रहा, इस वजह से लोग कोई और गेम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी इसके पदाधिकारी हैं खिलाड़ियों के जो भी इस ये हैं स्पॉन्सर, ये कम होने की वजह से खिलाड़ी पा रहे हैं, इस वजह से टूर्नामेंट भी कम हो रहे हैं। जैसे हमारे स्पॉन्सर पुरोहित जी, ये स्पॉन्सर हमारे को तो गुरुजी मिल चुके हैं, पर ये पदाधिकारी हैं भागचंद जी राजस्थान के, पुरोहित जी हैं, ये जो भी फेडरेशन से जुड़े हुए लोग हैं इनको आना चाहिए, हर जगह कोई मीटिंग रखनी चाहिए गांव में, और इनको शांति या कुछ भी सुझाव वो देने चाहिए, लोगों को भरोसा दिलाए कि कुछ इसका भविष्य होगा या नहीं होगा, नेट बॉल की व्यवस्था करें, सभी गांवों से सभी जहां टूर्नामेंट होते हैं वहां से जुड़े। भाई साहब हरियाणा में कौन सी टीम सबसे टॉप लगती है आपको, भाई साहब अब तो 100 भी है, आप कौन से फॉर्मेट की बात कर रहे हो कि आपको अच्छी टीम लगती है, वैसे तो सापला बुंडू वाली टीम बहुत शानदार टीम है, अच्छे प्लेयर हैं, अंकित भाई जी भी बढ़िया प्लेयर हैं 100 के। किसना देवंदा टोंक में प्रशिया की टीम के बारे में, बहुत अच्छी टीम है भाई साहब,
टोंक की परासिया टीम एकजुट टीम और शानदार गेम खेलती है। वो भाई एक सेंटर खेलता है, नाम तो मेरे को उसका पता नहीं है पर गेम देखा है, बहुत अच्छा खेलता है। भाई साहब स्टार्ट ही है बोबास में वॉलीबॉल, आज अच्छे मैच चलेंगे बोबास वॉलीबॉल ग्राउंड पर शाम 8 बजे से रेलवे स्टेशन बोबास पे, और लावी भी चलेगा बोबास क्लब के पेज पे। हरी जी फगोड़िया राम राम, भाई साहब राम राम। वैसे तो हमारे टीटू के आप जीजो जी लगते हो और मेरे भी जीजाजी हो, हमारे गांव के पावणे हो। तो कुलविंदर सिंह आप नेट हाइट 7-10 नीचे या परफेक्ट होनी चाहिए। कुलविंदर सिंह भाई साहब गेम के रूल्स एक ही नहीं है तो हाइट एक कहां से होगी? कोई ड्रॉपिंग खेल रहा है, कोई अंडर एंड खेल रहा है, कोई अटैक लाइन खेल रहा है, कोई मीडियम खेल रहा है, पर मेरे हिसाब से तो सबका बीच का गेम अटैक लाइन बेस्ट रहेगा। कोई अंडर एंड खेलने वालों के लिए भी बेस्ट है तो फ्री स्टाइल खेलने वालों के लिए भी बेस्ट है। टीटू भाई राम राम। टीटू भाई जी बैठ तो जाओ इधर आके। आ रहे हैं टीटू भाई जी भी जुड़ रहे हैं आपसे, कोई जरूरी काम की वजह से कोई कॉल आ गया अर्जेंट। टीटू भाई शर्मा रहा है, शर्मा नहीं रहे भाई, बोबा शर्माती नहीं है, इतने टूर्नामेंट हार के नहीं शर्माई तो इतनी से लाइव से क्या शर्माएगी। अब भी तो मजे। अजय कुमार जी वर्मा हमारे बोबास के बहुत ही अच्छे प्लेयर थे पहले, वो भी लाइव से जुड़ गए, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। चकदे दावास राम राम भाई जी, चकदे जी आप भी लाइव से जुड़ रहे हो। इंसार खान डी डोना की टीम के बारे में बहुत कुछ बोला रहे चुकदा। डीडवाना की टीम अच्छी टीम है भाई जी, अरबाज भाई के बहुत अच्छे जंप है, जुनेद भाई भी अच्छे खेलते हैं, और भी 2-3 वो प्लेयर हैं। जूनियर खिलाड़ियों के लिए इस गेम के बारे में कोई संदेश देना चाहेंगे? भाई साहब जूनियर खिलाड़ियों को अगर वो कोई अपने आप में खुद सक्षम हो या वो इस गेम को केवल मनोरंजन के लिए शरीर के फिट के लिए खेले तो खेलें, वरना अपने कैरियर पे ध्यान दें। अगर उनका कैरियर है तो वो इस गेम से जुड़े, वरना इससे दूर रहें। बोबास टीम में कई युवा लोगों की जिंदगी अनंत में हो गई है इसे। दिनेश सामोता धन्ना नांगल के, ये तो खोप था भाई साहब ड्रॉप बॉल का, जब मैच चलता मुकाबला करते थे हम तोप को भी झेलते थे फिर भी। सांगानेर के स्टार वॉलीबॉल क्लब के बारे में कुछ बताओ महावीर गढ़वाल जी। भाई साहब बहुत अच्छा ग्राउंड, बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हो वहाँ पे, मैंने भी वहाँ पे बहुत दिन खेले हैं, मेरे साथी सोपाल भाई के साथ वहाँ पे बहुत मैच खेले हैं मैंने भी। बहुत अच्छा ग्राउंड है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट कमेटी है वहाँ की। पंकज गढ़वाल राम राम भाई जी, और महावीर गढ़वाल भरत जी भाई साहब बहुत अच्छे वहाँ के मैनेजमेंट हैं, हमारा सहयोग करते हैं वहाँ ग्राउंड में, आर्थिक रूप से भी बहुत मदद करते हैं, व्यवहार के भी अच्छे हैं। भरत जी शोपुर से भाई साहब को राम राम, अगर वो लाइव से जुड़ रहे हो तो। जय धूमन को समझदार इंसान तो अपनी बातें बोल। बहादुरगढ़ के बाबा बहादुरगढ़ ड्रॉपिंग का शानदार स्कोरर थे, बहुत अच्छे युवा स्कोरर है वो भी, इस टाइम के टॉप पे चल रहे हैं भाई साहब। अरुण कालानी जी बहुत अच्छे अपने बारे में बताएं। भाई साहब आपका आशीर्वाद है, आपके साथ भी मैंने बहुत मैच खेले हैं, और उससे आपके साथ खेलने से हमारी टीम के साथियों से पुराने विनोद जी के साथ से अच्छा नेटर बना और वो खेल भी रहा हूँ अब, ये आपका आशीर्वाद है।
बॉल का फॉर्म आपको कौन सा अच्छा लगता है, ड्रॉपिंग या थर्ड बॉल अंडर एंड का, कच्ची बताओ इस बारे में। नरेंद्र भाई साहब जी, हमारे को अटैक लाइन का सबसे बेस्ट फॉर्मेट लगता है, जिसमें 6 फुट या 7 फुट की अटैक लाइन हो। अटैक लाइन के अंदर से अंडर एंड लो, बाहर से आप अपर ले सकते हो। उसमें आप ड्रॉपिंग वाले प्लेयर भी उसमें खेल सकते हैं, अंडर एंड वाले भी खेल सकते हैं। हमारे को सबसे अच्छा फॉर्मेट अटैक लाइन वाला लगता है भाई साहब। भाई साहब राजस्थान में सबसे ज़्यादा मज़ा कमल भाई के सामने खेलने में ही आता है, चाहे हार हो या जीत हो, और वो राजस्थान की सबसे बेस्ट टीम भी है। कमलेश चौधरी जी अजय शर्मा, टीटू भाई यूट्यूब पर वीडियो डाला करो। भाई साहब अब हमने हमारा खुद का पेज बना लिया है बोबास क्लब को, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें। उस पर आपको हर प्रकार के हर मैच लाइव भी मिलेंगे, वीडियो भी मिलेंगे। अजय कुमार वर्मा जी, राम राम खेल प्रेमियों, विनोद यादव बोबास। राम राम भाई साहब, अगर आप अपनी अपने आईडी से देख रहे हो तो उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। आज आपके सहयोग से ये नई टीम आपके सामने है जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। कर दिया, इसके बारे में कुछ बताओ। शंकर शर्मा प्रधान, भाइयों कैलाश चौधरी और सीताराम शर्मा को बोबास टीम से रिलीज क्यों कर दिया है, इसके बारे में कुछ बताओ। रिलीज विलीज कुछ नहीं किया है भाई, वो कुछ कारणवश सीताराम जी ने कुछ अपना खुद का पर्सनल बिजनेस खोल लिया है। कैलाश भाई आपको मैंने पिछले भी बता चुका हूँ कि उन्होंने कंपटीशन की तैयारी की वजह से वो इस गेम से थोड़ा दूर हो गए थे, और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी मंजिल तक पहुँच कर वो वापस अपनी टीम से जुड़े। ऑल इंडिया थर्ड बॉल अंडर एंड की टीम बनती हो तो आप किसको चुनोगे? भाई साहब इसमें तो देखो मैं कुछ नहीं बता सकता, बहुत अच्छे प्लेयर हैं हर टीम में, पर वो तो एक जो आपस में जिस हिसाब से उनका बैठेगा उस हिसाब से टीम चयन हो सकता है। राम बाबू जी, गुरु जी कोच बोबास के आपकी टीम की जान है, इनके बारे में बताएं। भाई साहब बागचंद जी, जान नहीं है, वो तो हीरो हैं बोबास के, बहुत अच्छा सहयोग आर्थिक रूप से हमको करते हैं, हर चीज़ में वो आगे रहते हैं, हमारे साथ भी रहते हैं। टिट्टू भाई जी को शर्म आ रही है क्या? नहीं आ रही भाई शर्म, आ रहा है वो अभी आपके बीच में जुड़ने वाला है थोड़ी देर में, और 2 मिनट का इंतज़ार करिए। अरे आ जाओ, अमित क्रिकेटर हेलो कौन भाई है? भाई जी मैं पंकज बोबास, राजस्थान जयपुर से। संजय केमेना, महेंद्र जी यादव जी के बारे में बताएं, आप डीसीएम वाले महेंद्र जी के बारे में बात कर रहे हो तो बहुत ही अच्छे प्लेयर है वो, हमारी बोबास टीम के पहले सेंटर खेल चुके हैं, हमारे पास सेंटर नहीं था तो उन्होंने हमारे साथ 2 साल तक खेले हैं, और बहुत टूर्नामेंट में उन्होंने हमारे को जिताए हैं। पथरेड़ी के बारे में बताओ। अंकित पथरेड़ी, हरियाणा अंकित पथरेड़ी अंडर एंड के बेस्ट प्लेयर है भाई साहब, उनकी तो बात ही क्या करना है, आप सब जानते हो उनके बारे में, ऑल इंडिया में टॉप चल रहे हैं अभी अंडर एंड में। भाई डीडवाना के बारे में बताओ। परवेज खान जी राम राम, डीडवाना बहुत अच्छी टीम है अपने नागौर जिले की, शानदार टीम है। अनूप नेहरवाल, कहाँ से हो भाई आप? मैं बोबास से, जयपुर बोबास राजस्थान से, पंकज शर्मा। सिद्धार्थ शिंदे जी, संजय शर्मा जी बहुत टॉप के प्लेयर थे, अब भी खेलते हैं वो, पर कम टाइम दे पाते हैं अभी, वो राजस्थान के शहर है भाई साहब। छोटी बेरी डीडवाड़ा नागौर उभरती हुई टीम है, उसके बारे में बहुत अच्छी टीम है,
उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, वो आगे आए, अच्छे टूर्नामेंट खेलें, बढ़िया टीमों से अपने मैच खेलेगी तो वो टीम एक राजस्थान की टॉप टीम होगी। और तुमने राम राम अंकित पतरेड़ी के बारे में बताओ, वो पिछले दो तीन बाबूलाल बाजा जी पिछले दो तीन साल से मैं देख रहा हूँ कि वह बास की टीम इनुप्रवण लाजवाब है कमल जयपुर को अगर आप लगातार हरा रहे हो इसके पीछे क्या राज है भाई साहब? टीम एकता से खेलती है, अभी हम अच्छे खेल रहे हैं, कमल भाई जी भी अच्छे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम एक तरफा मुकाबला जीत रहे हैं, वो जीत में कन्वर्ट नहीं, अभी हम सक्षम हो रहे हैं कन्वर्ट करने में। और अच्छा फोरम में हमारे शिवपाल भाई जी, टीटू भाई जी, हमारे हेमंत कुमावत जी, कमल जी और विनोद शिव कुमावत धनाई और आज की टीम कैसी है? अच्छी टीम है भाई साहब, धन्य बोरा सिद्धार्थ सिंह भाई सबसे खतरनाक सेंटर अंकित पतरेड़िया, हाँ अंकित जी बेस्ट पे सेंटर है भाई साहब, एम के सिसोदिया परवेज खान डीडवाना के बेस्ट प्लेयर नेटर आपकी नज़र में भाई साहब, डीडवाना के बेस्ट प्लेयर वैसे जुनेद भाई भी हैं, अरबाज भी अच्छा है, बेस्ट नेटर आपकी नज़र में भाई साहब, उसका मैं नाम तो भूल गया, वो जो अरबाज के साथ आया था यार, शिव कुमार भाई जी बोबास में हर साल टूर्नामेंट होता है, सोशल मीडिया से आपको जानकारी मिल जाएगी। आप कालू में राजपुरोहित टीम से खेले थे, आपका मैच कमल चौधरी से था, गोपाल दास, हाँ साहब भाई साहब नमस्कार, आप वहाँ पे रेफरी थे, वो बहुत ही शानदार राजपुरोहित जी हमारे को लेके गए थे कालू में, बीकानेर में उनका गांव पड़ता है, बहुत अच्छा मैच हुआ था। शुभम वैष्णव डायोडा जय श्री राम, हाय राहुल देव जी यू आर द, राम राम भाई धन्यवाद, शुभम जागीर जय क्लब राजस्थान स्पोर्ट्स शिव श्री फूल चंद्रवार पाटिल आईपीएल का कहां तक आया है, शुभम जागीर जय क्लब राजस्थान बेस्ट मैच कौन सा रहा भाई साहब? अपन जो मैच खेलते हैं वो शुभम जागीर भाई जी सारे ही बेस्ट होते हैं। अजीत सिंह दादरवाल जी रुक्मणी विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, उनका आपका तहे दिल से धन्यवाद जो आप लाइव से जुड़े। राहुल देव हरसोली के बारे में, हरसोली बढ़िया टीम है भाई जी, आप दूधू के लिए पूछ रहे हो या बागावास के लिए? कैलाश भाई बोबास के बारे में बताएं, बहुत ही अच्छे प्लेयर थे कैलाश भाई जी, गौरव तवर जी भाई जी आप बहुत अच्छा खेलते हो, धन्यवाद भाई। चौधरी के बारे में कुछ टीटू से बड़ा कलाकार कोई नहीं, कुंज बिहारी शर्मा टीटू से बड़ा कोई कलाकार नहीं, हाँ भाई बिल्कुल कलाकार है वो हमारा, जान है टीम की टीटू भाई। मकराना सुशील डूडी भाई साहब, वो सुशील कुड़ी, राम राम भाई, मकराना बेस्ट टीम है भाई साहब, मकराना में अच्छे अच्छे प्लेयर हुए हैं पहले भी और आज भी बहुत अच्छी टीम है। कमल चौधरी टीम साथी भाई पीटीआई जी अभी कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहिएगा। विजय बागड़ा भाई साहब पहले आपकी टीम में मेजी यादव साहब खेलते थे, वे अब नहीं खेलते क्या? आजकल दिखाई नहीं देते, वो खेलते हैं क्या अभी भाई साहब? वो अभी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, उनका बीकानेर में जोधपुर में कोई पुड़िया का काम चल रहा है, इस वजह से वो निकल गए हैं बाहर, अभी हमारे को टाइम नहीं दे पा रहे। Yeah, we're going to make up.
कमल चौधरी जी नमस्कार, राम बाबू गुरु जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बोबास टीम को तन मन और धन से सहयोग देकर आपकी टीम को आगे नए मुकाम पर पहुँचाया। आपने अपनी टीम के लिए एक शानदार मैनेजर की भूमिका निभाई, उसके लिए आपको बारी बारी धन्यवाद गुरु जी। आपका मैसेज मैंने कमल जी राम बाबू जी के पास पहुँचा दिया, उनकी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। भाई साहब बागचंद जी, हमारे भाई कमल अबे क्लब कौन से फॉर्मेट में सबसे अच्छे खेलते हुए लगते हैं? भाई साहब अच्छे खिलाड़ी का कोई फॉर्मेट नहीं होता, आप कौन से फॉर्मेट में बताऊं उनका कोई जवाब नहीं है, वो तो एक तरह की मशीन है। कोई से भी फॉर्मेट में खिलाओ, वो अपना प्रदर्शन कभी नहीं सुना इस राजस्थान में कि आज कमल ने इस फॉर्मेट में अच्छा गेम नहीं दिखाया, कमल का ये फॉर्मेट है, कमल का ये, वो सब में बेस्ट है भाई साहब। रमेश शर्मा भागचंद जी, भाई साहब अभी फेडरेशन को संभाल रहे हैं राजस्थान के को, उनके बारे में कूल इंसान, मैनेजमेंट संभालने में अभी भी हमारे आसपास में जो भी टूर्नामेंट होते हैं उनका मैनेजमेंट ये संभालते हैं, और पहले बहुत ही अच्छे शानदार प्लेयर रहे हैं। अबे क्लब से भी इन्होंने बहुत टूर्नामेंट खेले, राजपुरोहित क्लब जी से भी बहुत टूर्नामेंट खेले, और पहले इनकी ये हमारे पड़ोसी गाँव से हैं ज्वाला क्लब जोमनेर, इनकी बहुत ही अच्छी शानदार टीम थी। आशीष सिंह राजदौर, क्या हाल है भाई जी, मैं यूपी से हूँ, आपकी नेटिंग बहुत अच्छी लगती है, धन्यवाद आशीष सिंह जी। परवेज खान, भाई जी आप राजस्थान के बेस्ट नेटर हो, धन्यवाद भाई साहब परवेज खान जी। गौरव तौर, भाई जी जगतपुर दिल्ली में आपका खेल देखा था, मज़ा आ गया था आपका गेम देखकर। हाँ भाई साहब हम वहाँ फाइनल खेले थे, कमल भाई से आ रहे थे हम वहाँ पे, पंचायती सेट से गए थे हम, फाइनल खेले थे वहाँ पे। अमित क्रिकेटर्स मंचल के बारे में बताओ, भाई साहब अंडरेंट के शानदार और जानदार प्लेयर हैं भाई साहब, नए सितारे में हमारी बोबास में सब अच्छे फैन हैं उसके, भाई बंदे के स्वभाव का भी बंदा अच्छा है और उनकी बॉडी सोडी अच्छी लगती है। सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी अपने महारूप ले चुकी है इंडिया में, तो इससे काम भी अपना साथ में स्टार्ट रखिए, पर सावधानी बरते। तो सभी भाइयों से मैं अब विदा लेना चाहूँगा, और आज हमारे बोबास क्लब पे कमल भाई से हमारा मैच चलेगा, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उस बोबास क्लब के पेज को लाइक भी करें, और मैं साथ में जो ये डायरेक्ट वॉलीबॉल हीरोज से जो हमारे को यहाँ पे लाइव पे लाए उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कुंज बिहारी शर्मा, वॉलीबॉल में अगर जयपुर शहर का रुतबा किसी ने तोड़ा है तो वो है बोबास भाई साहब, धन्यवाद कुंज बिहारी जी, आप भी दूधू के अच्छे स्पॉन्सर हो, आपकी मद्देनज़र में अच्छे नए प्लेयर आ रहे हैं, आपका नेटमैन बहुत अच्छा है, आपके नेतृत्व में मनदीप छोटू अच्छे प्लेयर हैं। परवेज खान, भाई शिवपाल के बारे में बताए, भाई साहब शिवपाल बोबास की शान है, वो कमल का एक सेकंड रूप दिखता आ रहा है, बहुत ही अच्छी बॉल मारता है, पट्टी का तो उसका कोई मुकाबला नहीं है जो बॉल मारता है तनी पे और पट्टी पे। सावदा के जोनी के बारे में बताए, क्या जंप मारते थे सावदा के जोनी, भाई साहब बहुत अच्छे स्कोरर भी हैं, बहुत अच्छी टीम थी सावदा, वो हमारे मालावाला में आई थी विष्णु जी के टूर्नामेंट में। एडवोकेट भागचंद कुमार, भाई साहब आप एक अच्छे नेटर हो, एक अच्छा नेटर कैसा बना जाता है हाइट, वैसे तो नेट उठाने के लिए छोटी हाइट सबसे बेस्ट रहती है, पर मेरी हाइट 6 फीट थी और मैंने अच्छा गेम खेला है, मेहनत करी है, पर मैंने कंटिन्यू नेट ही खेला, इस वजह से कुछ अनुभव भी हुआ और आज 12-13 साल बोबास के साथ खेलते हुए हो गए।
कमल चौधरी जी, विनोद जी बोबास के बारे में भी बता दो, आज कल गेम खेलते हैं या छोड़ दिया? भाई साहब वो कुछ कारण वजह से खेल नहीं पाते कभी, सैटरडे संडे को बाई चांस गेम खेलते हैं, वैसे वो बिल्कुल गेम से दूर हो गए हैं पर ग्राउंड पर आते रहते हैं वो हमारे को। विनोद जी एक शानदार प्लेयर थे बोबास के, उनके जोश और जज्बे से आज बोबास में इतने प्लेयर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा गेम खेलते थे वो। और कमल भाई जी आपके साथ भी उन्होंने बहुत टूर्नामेंट खेले हैं और आप वैसे जानते हो विनोद जी के बारे में। शिवपाल का बेस्ट गेम देखा शिवनगर में? हाँ भाई साहब, शिवनगर में बहुत ही शानदार गेम खेला था शिवपाल भाई ने, हम पिछड़ गए थे पहले तो शिवपाल भाई ने 5-7 बॉल ज़बरदस्त मार के शिवनगर का जो टूर्नामेंट था वापस रिकवर किया था उन्होंने। शिवपाल और टेटू से बात कराओ, कराते हैं भाई जी। कुंज बिहारी शर्मा, टीटू कैमरे के सामने आकर ही बोल दे भाई अब तो आ जाओ, राम राम तो कर लो दोनों भाई आकर, आपकी कमियां तो मैं पूरी कर दी। तो सभी भाइयों को फिर से तहे दिल से राम राम, बोबास क्लब के सभी मेंबरों की तरफ से राम राम। और भाई शिवपाल आपके बीच में हैं, ये भी दो बात कहना चाहेंगे आपको, सभी भाइयों को राम राम। जिनसे शिवपाल भाई बोल रहे थे शिवपाल भाई को लाओ, अब आपके बीच में आ गए। सभी भाइयों को धन्यवाद, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा।